आर्यन खान पर ओवैसी का जबरदस्त जवाब, कमजोर के लिए आवाज उठाएंगे, सुपरस्टार के बेटे के लिए नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख अध्यक्ष सुदीन ओवैसी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जो काफी चर्चे में है। ओवैसी रविवार को गाजियाबाद के मसूरी में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जेल में बंद उन बेजुबान लोगों की आवाज बनेंगे जो कमजोर है, न कि उनके लिए लड़ेंगे जिनके पिता ताकतवर और सुपरस्टार हैं। ओवैसी ने आर्यन खान और शाहरुख खान का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामले में जेलों में 27% अंडर ट्रायल कैदी मुस्लिम है। मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगा जो कमजोर है, न कि उनके लिए जिनके पिता ताकतवर हैं। बता दें कि 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज रेफ पार्टी के दौरान एनसीबी ने छापा मारा और ड्रग्स बरामद किए। खबरों की माने तो पार्टी में एनसीबी ने बड़ी मात्रा में कोकेन, हशीश, एमडी और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए। इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी मौजूद थे। आर्यन खान समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सभी को एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। आर्यन खान को पहले 7 अक्टूबर को मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल आर्यन मुंबई के ऑथर रोड जेल में बंद है। अब आर्यन की जमानत को लेकर 20 अक्टूबर को मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक आर्यन को जेल में ही रहकर 20 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा।